अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي داهري لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بہت بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام آج دس محرم اور یہ وہی رات ہے جو میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد آتی ہے اور اس گھر کے اندر یہ غالباً آج تیسری یا چوتھی محفل پاک سالانہ ہے جو رمضان پٹی صاحب افضل صاحب امجد صاحب ان کے والد محترم کے سال ثواب کے لیے ہوتی ہے اور میرے گھر سے بڑی گہری وابستگی بلکہ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ صوفی بنیامین صاحب وہ شخصیت وہ مرد درویش انسان جسے آپ بخوبی جانتے ہیں جس نے میرے والد کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کھلایا ان کی یاد میں ان کے بھائی کی یاد میں اصال ثواب کی یہ محفل نواسہ رسول حضرت امام علی مقام کی یاد سے ہم منسوب کرتے ہیں کل گزشتہ رات ذکر نواسہ رسول حضرت
इमाम मुस्लिम बिन नकील के बच्चों की शहादत के हवाले से गुफ्तगू हुई। आज कोशिश करूंगा कि एक शहादत पढ़ सकूं, मगर इस पुरफितन दौर में मुझे तो ये कहना पड़ेगा, मीडिया का दौर, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, हमारी नौजवान नस्ल जिसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में बेशुमार उलमा, एक एक कमरे के बड़े बड़े मुहदस जो बन के कमरे में, बड़े बड़े उलमा बन के कमरे में बैठे हैं, जिनकी ज़िंदगी, जिनका इलम, जिनकी रिसर्च सिर्फ़ एक कमरे की हद तक महदूद है और नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। ज़िक्र अहले बैत मेरे अपने नाकस इलम के मुताबिक, मैं समझता हूँ आका करीम की आल का जिक्र इस वक्त अजमत अहले बैत, शान अहले बैत, मकाम अहले बैत बयान करना फ़र्ज़ हो चुका है। हमारी आने वाली नस्ल, ये बच्चे, ये बड़े, जिनके जहन में ये बीज बोया जा रहा है, यार इन थोड़ा जहा ठीक कर दे, को थोड़ा जहा खोल दे वाली है मिस्ता, कि ये जो सबीलें लगाते हो, ये लोगों को पानी पिलाते हो, ये हुसैन के नाम पर खैरात करते हो, ये सब चीज़ें बेमानी और बेमकसद। आज इस दौर के अंदर मैं समझता हूँ कि सुन्नियों के अंदर अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हम कहलाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी। हमारे मुल्क में ग्रोह वो भी है जो अहले सुन्नत वल जमात हनफी कहलाता है, अहले सुन्नत वल जमात हनफी हम कहलाते हैं बरेलवी। अब मामलात इस हद पर आ चुके हैं, इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब अहले सुन्नत वल जमात बरेलवियों में बरेलवी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया। मुझे तो इतना इलम है, जो मैंने पढ़ा, बुजुर्गों से सुना, जो सीखा, कि मदीने के अंदर एक कुआं था, जिस पर एक दिन पानी यहूदी भरा करते थे। जब आका करीम ने हजरत उस्मान गनी से कहा, उस्मान ये कुआं खरीद लो, एक दिन यहूदी पानी भरते थे, एक दिन मुसलमान भरते थे, आका करीम ने हुक्म दिया उस्मान ये कुआं खरीद लो और खरीद कर वक्फ कर दो। अब ये पाबंदी नहीं कि एक दिन यहूदी भरेंगे, एक दिन मुसलमान भरेंगे, ये मलकियत है उस्मान गनी की, जिसका जी चाहे, जब जी चाहे, जिस वक्त जी चाहे पानी भरो, पानी भरो। इन गुनागार आंखों से वो कुआं मैंने देखा है जो मदीना शरीफ के अंदर बीराए उस्मान गनी के नाम से मशहूर है। शोहदाए उहद की तरफ जाएं तो लेफ्ट हैंड, दाएं हाथ पर एक खजूर का बागी, खजूर का बाग कह ले, उस बाग के अंदर वो कुआं आज भी मौजूद है, आज भी। अगर किसी के नाम पर इसाले सवाब करना, कुआं लगाना, कुआं खुदवाना, अगर इसकी कोई हकीकत ना होती, इसकी अगर कोई हसीयत ना होती,
तो मेरे आका कभी उस्मान गनी को हुक्म ना देते, उस्मान इसे लो और वकफ कर दो, इसे लो वकफ कर दो। आज अगर हजरत उस्मान गनी के कौल में से बात तवील हो जाएगी, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मुझे इस दुनिया की तीन चीजें बड़ी पसंद है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मुझे दुनिया की तीन चीजें बड़ी पसंद हैं। अगरचे इसके साथ ये मैं एक बयान कर रहा हूं, इसके साथ हजरत उस्मान गनी के कौल के साथ हजरत अबू बकर सदीक का कौल आता है, अबू बकर सदीक के कौल के साथ हजरत उमर फारूक का कौल आता है, हजरत अली का कौल आता है। चारों सहाबा ने तीन तीन चीजों के पसंद होने का ऐलान किया, बल्कि यहां तक आता है जब चार सहाबा ने अपनी तीन तीन चीजों की पसंदीदगी का ऐलान किया तो जिब्रील आ जाते हैं, कहा या रसूलल्लाह तेरे इन सहाबा को ये चीजें पसंद है तो ये बात तवील हो जाएगी। वो तीन चीजें जो हजरत उस्मान गनी हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज इशबाहुल जिया ने व किस्वतुल उरिया ने व तिलावतुल कुरान। मुझे या रसूलल्लाह तीन काम बड़े पसंद हैं। सबसे पहला इशबाहुल जिया ने भूखे को खाना खिलाना, इशबाहुल जिया ने व किस्वतुल उरिया ने व तिलावतुल कुरान। भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़े पहनाना और कुरान की तिलावत करते रहना। अगर इन बातों की हकीकत ना होती तो दूर कह देते उस्मान बंद करो ये बातें, और नंगे को कपड़े ना पहनाना इसका कोई अजर नहीं, और भूखे को खाना ना खिलाना इसकी कोई हसीयत नहीं। हजूर की बारगाह में खड़े होकर उस्मान ने बता दिया या रसूलल्लाह वो वक्त आएगा, वो लम्हा आएगा जब तेरा कलमा पढ़ने वाले कह देंगे हुसैन के नाम की खैरात न कर, हुसैन के नाम का लोगों को पानी ना पिला, आका मुझे ये तीन चीजें पसंद हैं, इशबाहुल जिया ने व किस्वतुल उरिया ने व तिलावतुल कुरान, भूखे को खाना खिलाना और नंगे को कपड़ा पहनाना। मेरे आका ने कहा तूने उस्मान जो कहा सच कहा। उसी कौल में ये कौल भी आता है नजरो इला वजह रसूलिल्लाह व इन्फाको माली अला रसूलिल्लाह व यकून अबनती तख्त रसूलिल्लाह। अबू बकर सदीक कहते हैं या रसूलल्लाह दिल ये चाहता है आंखें अबू बकर की हो, चेहरा तुम्हारा हो। व इन्फाको माली अला रसूलिल्लाह, या रसूलल्लाह मैं ये चाहता हूं कि मैं सारा माल अपना सारा माल आपके नाम पर फैदा करूं। अगर इनकी हसीयत ना होती, हम सहाबा के मानने वाले हैं, मैं नसब के एतबार से नकवी हूं, सदात से तल्लक है, सिलसिले के एतबार से मैं नक्शबंदी हूं, सिलसिले के एतबार से मैं नक्शबंदी हूं, हम सहाबा का एहतराम इज्जत, और वो अबू बकर सदीक जिनके कौल में ये कौल शामिल है या रसूलल्लाह मैं अपना सारा माल आप पर खर्च करना चाहता हूं, अगर ये खर्च करने वाली बात ना होती, इसका कोई अजर कोई हसीयत ना होती, जरूर रोक देते। सहाबा की ताईद करने वालों, सहाबा के कौल को मानने वालों, ये कौल भी तस्लीम कर लो कि खुलाफाए राशिदीन ये सब चीजें उनके कौलों से साबित है। नंगे को कपड़ा पहनाना, आका के नाम पर अपना माल खर्च करना, खैरात करना, ये चीजें साबित हैं। ये आज बदनसीबी है, मैंने जो अर्ज किया ना कि सुन्नियों में हुसैनी सुन्नी तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। आज अगर मैं ये बात कह दूं कि जनाब
हुसैनी काबे, मैं काली टोपी पहन लूं, काला जुबा पहन लूं, जिक्रे अली करूं, जिक्रे हुसैन करूं, तो हो सकता है फतवा आ जाए कि पीर तुहाडा शिया हो गया लगता है। ओए अगर जिक्रे आले बैत करना शियत है या शिया होना है तो हम सबसे बड़े शिया, हमसे बड़ा कोई शिया नहीं। अगर जिक्र आले बैत के नाम को या जिक्र आले बैत करने वाले खतीब को या नात खां को अगर ये बात कहते हो तो फिर याद रखो हम सबसे बड़े शिया। और उनके नाम पर खैरात करना, उनके नाम पर किसी को कपड़े पहनाना, किसी को खिलाना, ये ऐन सवाब है। ये बोलिए ऐन सवाब है। और वही अली, वही उस्मान गनी, वही उम्र फारूक जो आका की बारगाह में खड़े होकर हजरत अली के कौल में शामिल है, या रसूलल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं तलवार से जिहाद करता था। ये एक एक बात रख कर रहा हूं। उमर कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि अनल मुनकर कि मैं सख्ती के साथ जिहाद की तबलीग करूं। हजरते मुख्तरम अगर इन बातों पर मैं निकल गया तो बात तवील हो जाएगी। बात मैं वापस अपनी बात पर आता हूं। मेरे पास असल में जो एक मेरा मौजू या जेन होता है, मेरा दिल यही चाहता है कि मैं आपको कोई नई से नई चीज़ बताऊँ। मगर होता क्या है कि जब मैं स्टेज पर आता हूँ तो मेरा मौजू बदल जाता है। जेन में सिर्फ एक बात लेकर आता हूं कि मैंने जिक्र अहले बैत कर याद करके कभी नहीं आया, ये उनके कर्म है कि बस उनका कर्म हो जाता है, उनका कर्म हो जाता है।